बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्य सेक्टर प्रभारी सुधीर कुमार भारती के नेतृत्व में तारामंडल स्थित एक निजी हॉल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में मुख्य सेक्टर प्रभारी सुधीर कुमार भारती ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस है तथा देश ही नहीं विदेश में भी संकल्प लेने का दिन है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उनके मार्गों पर चलकर दबे कुचले लोगों की बातों को आगे बढ़ाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी सुधीर कुमार भारती ने कहा, अपना पूरा योगदान दे करके आप लोगों के आशीर्वाद की आकांक्षी हैं। बीच में हम लोगों के सभी साथी जिला अध्यक्ष जी माननीय कमलेश प्रसाद जी के वरिष्ठ साथी पूर्व में शाहजहां के नगर के चेयरमैन के बीच में उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। बाप साहब के साथी जय हो बाप। जो नारी को सम्मान, गांधी जी को जीवन दान और भारत को एक सुंदर संविधान देने वाले, जिनकी एक 66वें परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। कई कई खाने वाले जोर से आइए जोर। सम्मानित साथियों, और सामने हम लोगों के एकदम चुनावी समर है और चुनावी समर के ठीक पहले जोर से भैया पीछे से हाथ उठा करके आलू बाबा साहब मर रहे हैं, बाबा साहब, बाबा साहब मर रहे हैं। साथियों, पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। हम आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस है, जिसको बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गोरखपुर में हम लोग मना रहे हैं। और ये देश ही नहीं विदेश में भी इस बात का संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग का जो मूवमेंट है कैसे आगे बढ़े, या जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चल के हम लोग दबे कुचले लोगों की बात को आगे बढ़ाएं और उनकी आवाज़ों को बुलंद करें। श्रद्धांजलि भी दी गई है। हाँ, आज हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक जिला कार्यालय पर और लखनऊ में भी उनके स्मारक स्थल पर बड़े पैमाने पर लोगों ने श्रद्धा का समर्पित किया है।